और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज है संडे, तो आज हमने सोचा कि यार चलो आपसे गपशप ही करते हैं। हमने सोचा कि संडे को क्यों ना फंडे बनाया जाए और आपके साथ थोड़ा चटपटी सी गपशप की जाए, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो ना डेली की वही सारी रूटीन देख देख के। इसलिए संडे को थोड़ा सा मतलब फन की तरह हम आज बनाते हैं, मतलब आपको भी मजा आए ब्लॉग देखने में और हम लोग भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा गर्मा गर्म बहस करें, एंटरटेन्ड हुए। क्योंकि देखिए ना, ये जो स्ट्रेस होता है ना, आदमी को धीरे धीरे से खत्म कर देता है। और इससे उभरने का एक सबसे सिंपल तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरह से मतलब आपस में बात कीजिए, खुशियां मनाइए, बहसबाजी कीजिए, तो दिल के अंदर जो भी होता है ना वो बाहर निकलता है। और जब दिल की सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं, बोलते हैं ना कि तो फिर दूसरों को ही पता लगता है कि क्या इसके दिल में क्या नहीं है। नहीं, दिल में तो लगता ही लगता है, मतलब अपना दिल खाली हो जाता है, मतलब कि टेंशन जो होती है ना दिमाग में वो सब खत्म हो जाती है। तो मतलब आदमी एकदम रिलैक्स, तरोताजा। जैसे अभी देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो कितना तरोताजा फील हो रहा है। तो ऐसे ही बहस हम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा इंटेंशन किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम एक जनरल जैसे मतलब बहस करने वाले हैं, जिसमें कि मैं लड़की के ससुराल की तरफ से और ये लड़के के ससुराल, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम हमेशा लड़की ही सुनाती है। लड़के को बेचारे को मेरे पतिदेव का कहना है कि मौका नहीं दिया जाता, तो आज इनको मतलब आज तो फुल मौका है, फुल जो आज तो जो लड़के मन में है वो ये बोलेंगे और जो मेरे मन। तो सबसे पहले मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि यार लड़की को कैसे ससुराल होना चाहिए? लड़की मतलब क्या सोचती है कि उसका ससुराल कैसा हो? देखिए सबसे और पहले कैसा बंदा हो, किस टाइप का उसका नेचर हो, कैसे उसके ससुराल वाले हो, एक ही क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। ऐसा नहीं करना तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि पहले किसका आंसर दूं। शॉर्ट में एक क्वेश्चन, पहला ये है कि लड़की के ससुराल वाले कैसे होना चाहिए। देखिए जब भी किसी भी लड़की, क्योंकि देखिए लड़कियां सबके घरों में होती है, लड़कियां जो ससुराल वाले हैं उनके घरों में भी होंगी और जो कहीं से बहू बन के आ रही है उनके घरों में भी होंगी। तो सबके घरों में होती है लड़कियां। और लड़कियों के जो सपने होते हैं ना शादी से पहले, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। बड़े बड़े इन द सेंस भी मतलब होता है ना, एक सपनों की दुनिया हर कोई लड़की बसाती है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ऐसा घर होगा, ऐसे मतलब ससुराल वाले होंगे, इस तरह का मतलब हमारा रहन सहन होगा। मतलब बोलते हैं ना सपनों का घर, किसने नहीं देखा होता है, सबने देखा होता है। गुड्डा गुड़ियों का ऐसा झूला होगा तो बचपन में खेलते हैं ना मतलब गुड्डा गुड़ियों का खेल, तो उसमें कैसे मतलब हम अपना प्यारा सा घर बसाते हैं, उसमें सब कुछ अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मतलब शादी करते हैं हैप्पी फैमिली का, मतलब वही सारे सपने लेकर के हर एक लड़की जो है ससुराल में आती है। तो ये होता है मतलब इस तरह का ससुराल की इमेजिनेशन होती है हर लड़की की। तो चलिए अभी मेरी बारी है ना क्वेश्चन पूछने की, एक और पूछ लेता हूँ मैं। पूछो चलो। अच्छा मतलब ऐसा करते हैं ना, तो पांच क्वेश्चन आप पूछ लो, पांच मैं पूछूंगी। अच्छा फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यार मैक्सिमम मतलब कि हर घरों में छोटी मोटी बहस लड़ाई होती है, वो किस वजह से होती है कि जैसे शादी के बाद लड़की शादी हो जाती है अपने मायके सॉरी ससुराल आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है कभी लड़ाई हो जाती है, कोई कुछ होता है, तो लड़की को वैसे कूल रहना चाहिए, तो वैसा क्यों लड़ाई को कूल रहना चाहिए लड़कों को? लड़कों अरे ऑब्वियसली बात है, जब लड़की कूल रहेगी तो बंदा भी कूल रहेगा। लड़की कुछ अगर मान लो मेरा पूछने वाला वो है, मैं पूछ रहा हूँ भाई। अब नहीं, वो तो मैं बीच में भी बोल सकती हूँ ना, तो बहस का मतलब ही वही है ना। जैसे आपने देखा ना डिबेट होते हैं उधर न्यूज पे, तो वो ऐसे ही होते हैं कि बीच में से फिर बाद में इतना नहीं रह जाता ना माइंड में कि कहाँ से। और मैक्सिमम पता क्या होता है, मेरे माइंड में भी आ रहा है, मतलब मैक्सिमम क्या है कि मेरे बहुत दोस्त है वकील, जैसे बातचीत होती रहती है, तो मैक्सिमम केस कोर्टों में ये डाइवोर्स के ही है, ठीक है, मैक्सिमम कहीं भी कोर्ट में जाओ सबसे ज्यादा लेडीज के ही केस है, मतलब डाइवोर्स के केस है। तो यार ऐसा क्यों? तो लेडीज के केस है मतलब डाइवोर्स की है मैक्सिमम यार। तो डाइवोर्स जब मतलब शादी हुई है ना बंदे की हुई है, बंदे की एक के साथ ही होगी ना ऑब्वियसली बात है। अब जब केस चलेगा ना तो मतलब दोनों का होगा ना, कि लड़की के अंदर भी होगी कुछ प्रॉब्लम्स, लड़के के अंदर भी होगी। तो अब देखिए, अब आपने तो पूरा थोप दिया कि लड़की का ही केस है, लड़की का कैसे है, दोनों का होगा ना। जब कपल बन के आए थे, जब शादी हुई तो दोनों ने यार मैक्सिमम कोर्टों में केस, तो वकील से मेरी एक दिन बहस हो रही थी, तो यार मैक्सिमम लेडीज ही आती है वहाँ पे। मैक्सिमम देखा मैंने यार जितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए, मैक्सिमम मतलब लेडीज डाइवोर्स का ही है, कि या तो उनका हस्बैंड नहीं बनता है, या तो शराबी है, या फिर लड़की छोड़ के चले जाती तो है। मैं भी कि डाइवोर्स दोनों में हो रहा है, दोनों में एक नहीं डाइवोर्स को ले सकता, दोनों ले रहे हैं ना। मीन्स अगर अब यार उनकी
उनकी एज भी उनकी एज भी किसी की 40 साल है, किसी की 45, लड़कियों की बता रहा हूँ, कोई किसी की 35 से अप है मैक्सिमम यार। तो यार 35 का हम तो 30 हम अपनी बात ना मैं वही बोल रहा हूँ कि 30 रेंज में बात करते हैं। मेरे बोलने का मतलब 35 यार, जब इंसान किस पो चाहे लड़के की उम्र हो 35, चाहे लड़की की उम्र हो, फिर 35 साल बंदे ने जी लिया, वो बहुत होता है कि आगे जब शादी होगी आगे बच्चों के बच्चों को भी छोड़ देते हैं वो, उनको एक खर्च लग जाता है। तो यार उनका जो बच्चे होते हैं छोटे उनका क्या कसूर होता है, ठीक है, उनको तो इतना सोचना चले यार पंगे हो रहे हैं लड़ाई है मैनेज कर लो, अब शादी होगी बच्चे हो गए तो सारा का सारा ब्लेम उन बच्चों के ऊपर, कल को बड़े होंगे वो सोचेंगे यार हमारी मम्मी पापा ने डाइवोर्स कर दिया, आगे वो हट गए, फिर उनके जो माइंड सेट वही होता है यार इन्होंने ऐसा किया तो आगे को वही परंपरा चलती रहती है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि यार जब बंदा लड़की है लड़की 35 साल जी सकते हैं तो आगे निकाल लो थोड़े दिन की और 50-60 तक कर लो यार, बच्चों को वो चीज मत सिखाओ। अभी तो मैं मतलब मेरी रनिंग एज 30 है, इस साल मैंने 30 क्रॉस किए हैं मार्च में, तो 35 के ऊपर का तो वैसे मैं बता नहीं सकती, पर हाँ अपनी एज तक का मैं बताऊं तो ऐसा होता है कि हर वक्त लेडीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कि हाँ चलो शादी हो गई, फिर शादी के बाद यही होता है कि हाँ एक आध साल में अगर बच्चे हो गए तब तो ठीक है, तब अगर नहीं होते हैं तब भी आस पड़ोस घर वाले ससुराल वाले कई चीजें बोलने लग जाते हैं, किसको बोलते हैं, सिर्फ लड़की को ही बोली जाती है। एक चीज मैक्सिमम जो लड़की का माइंड वॉश होता है ना वो उसकी मम्मी ही करती है। अभी हफ्ता पहले मैंने न्यूज सुनी थी यहाँ पे, एक बेचारी 80 साल की लेडीज थी, जबरी थी वो, ठीक है, तो उसकी बहू थी और बहू की माँ उसको बेचारी उस डंडे से मार रही वो, और 80 साल की बेचारी वो झाड़ू लगा झाड़ू करवा रही उससे, उसकी जो लेडीज 80 साल की होगी और उसकी बहू और बहू की माँ ऐसे डंडे से मार, इतनी जोर से बेचारी बूढ़ी है और एकदम के उसके जो पोते नहीं होते हैं पोतों ने वीडियो बना दी होगी और उन पोतों ने किया अपने पापा को दिखा दिया कि पापा ने CCTV लगे होते सीधा पुलिस को, और वो बहू भी उसकी मम्मी भी अरेस्ट है कि यार इतनी बेचारी 80 साल की लेडीज को मार रही है। एक वीडियो नहीं बहुत आए यार, हाँ चलो आए होंगे, मैं उसमें बहस नहीं कर रही, ये नहीं कि लड़की को अपनी लड़की जो उसकी लड़की की माँ उसको समझाना चाहिए कि यार आप दूसरे घर जा रहे हो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है पर ये नहीं कि पूरा ही करना चाहिए कि मैक्सिमम यार मैंने बहुत केसेस देखे कि मगर कहीं की लड़की अपने घर में घर से नहीं जाती है, माँ का होता है वो कि मम्मी बस मम्मी ने वो बोलना नहीं तू मत जा ये है वो, घर बिगड़ता है यार काफी केस है यहाँ पे। एक तो वही एक है तो 4-5 बंदे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, चलो वो चीज़ अलग है कि केस हैं कैसे नहीं है वो उसमें तो क्या बात है, पर जो आप बोल रहे हो वो वीडियो के बेसिस पे बोल रहे हो कि उनके घर की सिचुएशन कैसी होगी क्या होगा वो तो वही जाने, इसलिए मतलब उसमें तो हम बोल नहीं सकते एक मतलब पर्टिकुलर वीडियो के आधार पे कि भाई मम्मी लड़कियों को बिगाड़ती हैं। और ये अब यही सेम चीज़ लड़कों पे भी तो आती है ना कि जब लड़की आ गई है ससुराल में आ गई है सास है उसकी, तो मतलब लड़के की माँ है वो, तो वो जो सास है ना तो वो अपनी लड़की की तरह अपनी बहू को क्यों ट्रीट नहीं करती, वो भी उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करती, क्योंकि देखिए आग तो वहीं पे लगती है ना जहाँ मैंने अपनी धुआं सॉरी गलत हो गया डालू कि धुआं तो वहीं पे उड़ता है ना जहाँ पे आग लगती है, और आग यूं ही थोड़ी ना लगती है, गलत कुछ ना कुछ तो होता है, तभी तो 80% जो बच्चे होते हैं ना लड़कों की बात होते हैं वो मम्मी के बहुत करीब होते हैं, मम्मा मम्मा की बात नहीं मानते, आपको पता है कि लड़के तो वैसे भी होते हैं घूमने फिरने नहीं नया वो होता है वो किसी की बात मानते हैं, लड़कियां जरूर समझदार होती है टाइम में लड़कियां भी घूमती फिरती हैं, आज की डेट में आप देखना वाला यंगस्टर किस तरह से बात करते हैं, उनका रोब देखोगे ना आप जब यंग बच्चों का जो अभी मतलब रनिंग 19-20 साल के उम्र के हैं तो आपको पता चलेगा क्या वो जब ससुराल में जाएगी वो बर्दाश्त कर पाएंगी उन सब चीजों को, चलो खैर हमारा जमाना अलग था ये भी वो मान के चल सकते हैं कि हम फिर भी मतलब टॉलरेट करते थे सुनते थे, लड़कियां एडजस्ट करती थी और होता तो वैसे यही है कि लड़कियां ही एडजस्ट करती हैं, फिर वही बात मैं बता रही थी ना कि लड़की एडजस्ट कर रही है मतलब अगर एक साल में हो गया तो, नहीं तो अगर नहीं बच्चा हुआ तो ससुराल वाले भी और आस पड़ोस सबके सब दोष लगेंगे मारने की नहीं भी इसमें कोई कमी है बहुत फलाना ढिमका इलाज चलेगा कहीं हॉस्पिटलों में कहीं वो मतलब ऐसे भी चल पड़ेगा ओपरा सोपरा तो नहीं है, फिर देखिए जब बच्चे हो गए तो चलो मान लो भी आपस में नहीं बन पा रही है क्योंकि वो तो सब इतने जल्दी जल्दी हो जाता है ना वो टाइम पीरियड जो होता है तो नहीं इतना मतलब लड़कियां भी हाँ खैर आजकल की तो समझदार हो गई हैं लड़कियां लेकिन थोड़ा हमारे टाइम की यार आजकल वैसे भी लड़कियां जितनी भी है वो मतलब की लेट शादी करती है 25 से अब भी करती है तो उनको इतना हो जाता है आजकल न्यूज चैनल है एवरीथिंग है हर चीज का पता होता है कि यहाँ भी ऐसा होगा ये होगा तो पहले किसको इतना नहीं होता था पता कि यहाँ जल्दी शादी हो जाती थी वो हो जाता था, आजकल की जनरेशन तो बहुत अलग है।
नहीं, अलग की बात नहीं है, कंप्रोमाइज की बात बता रहे हैं कि देखिए जब मतलब कंप्रोमाइज किया उस लड़की ने, किसी ने भी शादी कर ली, एक साल में उसके बच्चे हो गए, फिर वो देख दिए भी हाँ, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है, क्योंकि अगर कुछ आप करोगे तो अपने साथ एक जान और होती है, तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है जैसे तैसे। तो मेरे पराजी है पंजाबी, तो उनकी बेटी का बर्थडे है शगुन का, तो हैप्पी बर्थडे शगुन बेटा। और आगे जो हम वीडियो शेयर कर रहे हैं उसके गर्मा गर्म बहस हुई है मेरी, कंप्रोमाइज करती करती। अब आप हाँ ये बोल रहे थे ना आपकी 35 साल की उम्र में वाले जाकर के जब इतना वो कर लिया, तो उस बेचारी ने चल फिर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचो कि अभी छोटा सा बच्चा है यार, दो साल तक तो वैसे भी दूध पिलाते ही पिलाते हैं सारी लेडीज, दो साल तक और हो गई प्लस उसमें, फिर वो इस तरह से सोचो कि कह रहा है अभी थोड़ा सा मतलब इसको आजकल तो मतलब हर चीज ही माँ ही सिखाती है ना, अनार सिखाया वो एप्पल सिखाया, हर चीज मम्मा ही सिखाती है घर पे। ठीक है थोड़ा सा एक मिनट कंप्लीट कर लूं फिर आप। मेरे बोलने का मतलब है कि मेजर बात होती है तो ठीक है, छोटी मोटी छोटी ऐसा नहीं, यहाँ नहीं उनको पता होता यार, हम भी घूमते हैं हमें भी पता है यार, ना उनको पता होगा ठीक है कि छोटी मोटी। देखिए नहीं इतने भी समझदार नहीं होते कि हाँ चलो हर वक्त ही सुनते रहे किसी एक की, अपना आप यार दूसरे की सुनते यार, मैंने ठीक है मतलब कि मैं है कुछ ऐसे बंदे कि छोटी सी बात है कि हाँ भाई यार ससुराल नहीं भेजा, वो नहीं भेजा, वो लड़कियां वहीं पे हैं अपनी मम्मा के घर पे है, वो ना तो, अच्छा चलो ठीक है ना, बच्चे हाँ, भी हो गए हैं उनके है, वो लड़के भी वो बंदा अपनी जगह, वो उसकी लाइफ खत्म होगी ना, उसके भाइयों की शादी होती है आगे ना किसी की होती है, वो तो अपने घर में बैठी हुई है लड़की, वो तो यार कम से कम इतना हाँ मेजर फॉल्ट हो जैसे बड़ा शराबी हो गुंडा हो कुछ नहीं रोज मारता वो तो अलग, तो उससे सेपरेट होना चाहिए। देखो भाई अपने घर की सिचुएशन तो उन्हीं को पता होती है ना जिनके साथ बीत रही होती है, पर आप बोल रहे हो ना कि भी लड़कियां माँ बिगाड़ती हैं, और तो उस लेडी का क्या मतलब जो मतलब शादी करने के बाद भी 14-15 साल अपने ही ससुराल मतलब सॉरी मायके में रह रही है, लेकिन जब भाभी आएगी उसको मतलब एक नौकरानी की तरह ट्रीट करे तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होना ही है, वो तो दिक्कत सी बात है कि अपनी लड़की को घर से बाहर तक नहीं भेज रहे हैं, और जो दूसरे के घर से लड़की आई है उसको मतलब एक दिन के लिए उसके मायके भेजने से पहले भी गेट बंद किया जाता है, तो फिर तब तो भी लड़ाई झगड़ा होता ही है। इस तरह के न्यूज़पेपर में मैं भी ये सुनती हूँ देखती हूँ, ऐसा मुझे भी क्या पता, पर मतलब आप ये बोल रहे थे ना छोटी मोटी बातें हैं मेरे, ये छोटी मोटी कहाँ लगी, अब जो वो दूसरे के घर की आई लड़की है उसको तो फील होगा ना कि यार भी मैं मेरे साथ ऐसा कर रही की बेटी घर पे है, वो तो छोटी वो तो होती रहती, वो तो हर घर में होती है यार, मैं तो हर घर में ऐसा कोई मैक्सिमम 10% ऐसे घरों में जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, हर जगह होती है, तू मैं कभी सास से नहीं बनती है, कभी ननान से नहीं, कभी जिठानी से नहीं बनती है, हर जगह ही छोटी छोटी को आगे नहीं बनानी चाहिए, मेरा बोलने का मतलब मेन आगे यही होती है, फिर अगर एक ही बंदा उसमें आप एक्सपेक्ट करें कि जो दूसरे के घर से लड़की आई है बस वही हमेशा कंप्रोमाइज करे, वही करे अपनी घर की लड़कियों को या अपने घर के चाहे सास है चाहे कोई भी है उनको, वो उसमें मतलब दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि आपके बोलने के अकॉर्डिंग तो लड़के मतलब वो होते हैं मतलब वो मम्मा की बात नहीं मानते, लेकिन लड़कियां ही माने मतलब है ना, सदा सारे वहाँ पे जब अपने मायके में है तब भी हर चीज के लिए यार लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, भाइयों के लिए तो वो हर चीज दरवाजे ठीक है। अब देखो जैसे शादी होती है लड़का तो अपने घर में ही रहता है ना, ठीक है, तो जिससे गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि थोड़े दिनों के लिए एक रूल चेंज कर देते हैं दोनों को ना, 6 महीने के लिए मायके में, 6 महीने के लिए मतलब इस वाले मायके में और 6 महीने के लिए उस वाले मायके में। तो सही, अब देखो जैसे शादी होगी लड़की आ गई, लड़का और लड़की अपने घर में रह रहे ठीक है, तो यार जो भी उसको घर में लड़ाई होगी तो सबको तो पता होगा, मम्मी को भी पता होगा, उसकी वाइफ को भी पता होगा कि यार बंदे ने उसकी मम्मी ने उस लड़के अपने लड़के से क्या बोला ठीक है क्या नहीं बोला, नहीं यार बीच में ना अरे मेरी भाई सुन तो सही नहीं होती, देखो भाई आप मतलब कोई भी अरे मेरी बात मतलब अपने लग जाना कि ये हमारी स्टोरी है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो भाई सास ही नहीं नहीं और जैसे एक्चुअली ना ये बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, एक दो स्टोरियां इन्होंने देखी इस पे फेसबुक पे भी, और फेसबुक पे देख रहे थे ना बहुत जल्दी फेसबुक पे थी वो, तो इन्होंने सोचा कि संडे को फंडे क्यों ना बनाया जाए, हम बहस करते हैं आपस में, तो वही थी वो लेडीज पता नहीं कहाँ की थी, हरियाणा की थी पता नहीं कहाँ की थी, वो दो दिन थी। तो अब देखो ठीक है, अब जब ये ठीक है लड़की का तो बदतमीजी कर रहे हैं ठीक है, तो यार लड़की सोचती है यार कब मैं यहाँ से जाऊँ फटाफट मम्मी के पास जाऊँ और मम्मी को सुनाऊँ मम्मी ऐसा ऐसा यार यहाँ पे तो सारे डेली सुनाते हैं, मतलब लड़की को तो एक दिन मौका मिल रहा है तो वो भी तो एक्साइटेड होगी। अब लड़की अपनी मम्मी के मायके में जाएगी हफ्ता रहेगी, अब जो उसका हस्बैंड है वो हफ्ता तो रहेगा नहीं, एक आधा दिन होते हैं, कोई बड़े भाई बेशर्म है मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, जो महीना महीना रुकते हैं ठीक है, महीना एक आधा दो तीन तीन चार हो जाता है वो तो बंदा आ जाएगा अपने वहाँ, पर लड़की तो नहीं मम्मी के खुल के वो मम्मी अच्छा मम्मी बोलेगी हाँ भाई क्या हुआ,
वो सास कैसी है, सास ने मारा तो नहीं, पानी तो नहीं दिया, ससुर ने ऐसे तो नहीं बोला, क्या हुआ ये वो, तो पूरी खुली चिट्ठा। फिर अगर उसकी मम्मी को लगा कि नहीं यार ये तो मेरी एक लौती बेटी, इसका कैसा किया, वो तू ऐसा मत कर, तू वहीं से बात बिगड़ जाती है। अगर उसी वक्त मम्मी क्या मम्मी बोले ना कि बेटे कोई बात नहीं यार हो गया, छोटी मोटी होती रहती है, क्यों इस चक्कर में, तो वो चीज उस लड़की की, नहीं यार मम्मा ठीक बोल रही है, लड़की की मम्मी ने क्यों नहीं समझाया फिर लड़के को, तब तो वो बात वहां तक पहुंच नहीं थी, उसने आराम से दोनों ने जाना था रात को जाना। यार बंदों का दिमाग पता क्या होता है, बंदों का मम्मी से चुगली चांटी, लड़कों का क्या होता है, ठीक है बैठे हैं चले गए शाम को पार्टी करने, पैक शेक मार के आगे, फिर ऑफिस जाते नहीं, उस पर किसी ने बोल दिया कुछ, तो बंदा उस टाइम उसको वो होता है कि हवा मिल जाती है कि उसने उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं, लड़की तो चुपचाप, उसको तो यार हर चीज की पता है यार, पी हुई है हो गया, मरने दे यार ठीक है। और वो लड़के का अगर डेली गई है पीने, डेली की बात अलग, वो पीता ही क्यों है, बस सिंपल बात है, वो तो अलग, अगर मतलब ना पीने के बाद उसको कोई उछाल जाए, मेरे से पूछ क्वेश्चन, इस तरह के लोग ज्यादा लंबा हो गए, 16 मिनट का हो गया, चलो रहने दो, आजकल कल पूछूंगी आपसे, इनसे क्वेश्चन पूछने की बारी अब कल ही आएगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ब्लॉग, और आप भी फिर इतने ज्यादा लंबे ब्लॉग पे इंटरेस्ट नहीं लोगे। और दूसरी बात की थोड़ा सा सजेस्ट करना कि इस तरह की मजेदार कभी कभी मतलब चिट चैट वीडियो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई देखो बोलते हैं ना कि हर जगह जब तक ट्विस्ट नहीं आता चटपटी नहीं हो जाती ना चीजें, तो मजा नहीं आता। वो ये चाहे लड़की का माइक के हो चाहे बंदे के घर वाले हो, दोनों को चलती है, हर घर में होती है, मरने दो, प्यार मोहब्बत से रो यार, चंद दिनों की जिंदगी होती है, खा पी लो ऐश मार लो, क्या फायदा है लड़ाई करके, क्या पता कब कोरोना, कभी कभी कमेंट में मुझे भी लिख देते हैं कि यार बहुत बोलते हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं तो बोला लिखो भैया मेरे तो खून बढ़ता है, देखो लाल हो जाता है मेरा, तो कल भी बहुत ऐसा बहुत ज्यादा अपने को नहीं पड़ता फर्क गया। चलो वो भी ऐसा कुछ नहीं था, इनका इंटेंशन भी कुछ नहीं था किसी के बारे में, या मतलब जो भी है, उस दिन भी इसी तरह की बहस चली थी, ऐसी बहस चली थी चैनल पे अपने पे अपलोड किया, तो ये ऐसे ही बहस कर रहे थे, और किसी को उस टाइम पे भी इनके ना इनके दिमाग में था ना किसी और के दिमाग में था कि हाँ क्या होगा। अब भाई जो लोगों को देख के लग गया ना, अब यहाँ पर भी हमें भी पता नहीं क्या क्या बोलने वाले, यहाँ वंदना तो ऐसी होगी, पता नहीं कैसी होगी, उस दिन सबका इंटरव्यू ले रहा था, डैडी का लिया, जीजू का सबका लिया, एक पर्टिकुलर इंसान का, किसी को लगा कि यार बदतमीजी से बात उसने लिख दिया, डैडी ने भी बोले, अपने भी चार डैडी ने बोले, चाचू जी थे उन्होंने बोले, फिर साथ में आपकी मतलब, और मुझे जब नहीं जब डैडी के ब्लॉग बनाते हैं ना तो डैडी मैं आ जाता हूँ, तो हाँ। बस मेरे पे आते हैं यार आप क्यों आए, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर अच्छा रहे लगता हो, है, ऐसे नहीं, इस तरह पूछना अच्छा लगता है ये, क्योंकि अगर मान लीजिए मतलब आपकी, अब देखिए हम तो अपनी तरफ से मतलब हम बोल रहे हैं बस वही जी ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है ना, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो जब हम कमेंट देखेंगे वो तो अलग चीज है, पर उससे पहले थोड़ा बहुत हम मतलब इस तरह से भी तो बहस कर सकते हैं, तो चलिए भी आज के ब्लॉग बहस में मजा आता है, नेक्स्ट ब्लॉग में।